हेलो स्टूडेंट, आज हम पहला मिशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़। इस लेक्चर सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तात्पर्य यह है कि नए जंतु के निर्माण के लिए, अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए, जब मेल और फीमेल गैमिट की आवश्यकता होती है और गैमिट के परस्पर फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन के उपरांत जाइगोट का निर्माण होता है और वह जाइगोट आगे विकसित होकर के नए जंतु का सृजन करता है, तब इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह कई विधियों से होता है। इन विधियों को हम इस रूप में जान सकते हैं। पहली विधि कॉन्जुगेशन, दूसरा ऑटोगैमी, तीसरा एंडोमिक्सिस, चौथा साइटोगैमी और पांचवा हेमिक्सिस। क्रमिक रूप से हम प्रजनन की इन विभिन्न विधियों का पैरामीशियम में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रजनन की पहली विधि है कॉन्जुगेशन। पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के माध्यम से सामान्य तौर पर प्रजनन की प्रक्रिया होती है। कॉन्जुगेशन को यदि हम परिभाषित करें तो हम यह कह सकते हैं कि जब दो पैरामीशियम आपस में एक दूसरे के संपर्क में अस्थायी तौर पर आते हैं और परस्पर अपने न्यूक्लियर मटेरियल का विनिमय या एक्सचेंज करते हैं, तब इस प्रक्रिया को कॉन्जुगेशन कहा जाता है। यहां हमने डिफाइन किया है टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू पैरामीशियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, तो इस प्रक्रिया को कॉन्जुगेशन कहा जाता है। पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कई चरणों में पूर्ण होता है। आइए हम कॉन्जुगेशन के माध्यम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विस्तार से अध्ययन करते हैं। कॉन्जुगेशन के द्वारा पैरामीशियम की जो कॉर्डेटम प्रजाति है उसमें प्रजनन होता है और पैरामीशियम कॉर्डेटम की विशेषता यह होती है कि इसके एंडोप्लाज्म में एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस उपस्थित होता है। सांकेतिक रूप से हमने यहाँ पर न्यूक्लियस की स्थिति को दर्शाया है। तो जो बड़ा है, किडनी के आकार का है, वो मैक्रोन्यूक्लियस है और दूसरा जो आकार में छोटा और गोल है यह माइक्रोन्यूक्लियस है। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। आइए कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, क्या तैयारियां पैरामीशियम करता है, वहां से हम अपनी बात शुरू करें। तो पैरामीशियम जब कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया आरंभ करना चाहता है तो उस दरमियान सबसे पहले वह भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है और भोजन ग्रहण बंद करने के कारण से पैरामीशियम का जो ओरल अपरेटस होता है वह लुप्त हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और ऐसे दो पैरामीशियम जिन्होंने ये आरंभिक तैयारी कर ली है और जिनका मेटिंग टाइप डिफरेंट है, दो अलग अलग प्रकार के पैरामीशिया, इनको हम मेटिंग टाइप कहते हैं, ये अलग अलग होते हैं। तो दो अलग अलग प्रकार के पैरामीशियम
एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और संपर्क में आने की जो सतह होती है यह दोनों के लिए ओरल होती है, अर्थात जिस जगह पर ओरल ग्रूव या ओरल अपरेटस स्थित होता है उसी सतह से दोनों पैरामीशिया परस्पर एक दूसरे के संपर्क में अस्थायी रूप से आते हैं। इन दोनों पैरामीशियम को जो कॉन्जुगेशन की इस प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं उन्हें कॉन्जुगेंट्स कहा जाता है। तो जब कॉन्जुगेंट्स अवस्था निर्मित हो जाती है उसके पश्चात मैक्रोन्यूक्लियस का कोई रोल प्रजनन में न होने के कारण से वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और मैक्रोन्यूक्लियस के ये टुकड़े साइटोप्लाज्म में अवशोषित कर लिए जाते हैं, वो घुल जाते हैं। माइक्रोन्यूक्लियस का रोल रिप्रोडक्शन में होता है, और इसलिए जो माइक्रोन्यूक्लियस है वह दो बार विभाजित होता है, लेकिन इन दो विभाजनों में से कोई एक विभाजन मियोसिस होता है। तो पहले विभाजन के उपरांत दो माइक्रो न्यूक्लियाई बनेंगे और दूसरे विभाजन के उपरांत चार माइक्रो न्यूक्लियाई बनेंगे, लेकिन चूंकि इन प्रथम या द्वितीय दोनों विभाजनों में से कोई एक विभाजन मियोसिस के द्वारा हो रहा है इसलिए न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात ये बनने वाले चार जो न्यूक्लियाई हैं ये हैप्लॉयड होते हैं। इन दो लगातार विभाजन के पश्चात प्रत्येक कॉन्जुगेंट में जो चार हैप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई बने हुए हैं उनमें से प्रत्येक कॉन्जुगेंट का थ्री या तीन माइक्रोन्यूक्लियाई पूरी तरह से डीजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और केवल एक माइक्रो न्यूक्लियस प्रत्येक कॉन्जुगेंट में शेष रहता है, जीवित रहता है। अब ये जो एक माइक्रो न्यूक्लियस जो प्रत्येक कॉन्जुगेंट में मौजूद है उसमें विभाजन होता है, और यह विभाजन अनइक्वल होता है, और अनइक्वल विभाजन जब माइक्रो न्यूक्लियस में होगा तो दो असमान आकार के माइक्रो न्यूक्लियाई प्रत्येक कॉन्जुगेंट में बनेंगे। तो जो बड़े आकार का न्यूक्लियस होता है यह न्यूक्लियस फीमेल प्रो न्यूक्लियस कहलाता है, चूंकि यह स्टैटिक होता है इसमें कोई गति नहीं होती है इसलिए इसे स्टेशनरी प्रो न्यूक्लियस भी कहा जाता है। जबकि इसके विपरीत जो स्मॉल न्यूक्लियस होता है यह स्मॉल न्यूक्लियस मेल प्रो न्यूक्लियस कहलाता है, और चूंकि यह प्रवासी होता है प्रवास करने की माइग्रेशन करने की क्षमता इसमें होती है यह गतिशील होता है इसलिए इस स्मॉल मेल प्रो न्यूक्लियस को माइग्रेटरी प्रो न्यूक्लियस भी कहा जाता है। इस दरमियान जब मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस का निर्माण प्रत्येक कॉन्जुगेंट के अंदर होते रहता है उसी अवधि में दोनों कॉन्जुगेंट के उस सतह पर जहां पर दोनों परस्पर एक दूसरे के संबंध और संपर्क में आते हैं वहां पर की पेलिकल पूरी तरह से घुल जाती है, और पेलिकल के घुलने के कारण से दोनों पैरामीशियम का जो साइटोप्लाज्म होता है वो परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, और इस तरह से एक ब्रिज दोनों पैरामीशियम के बीच में निर्मित हो जाता है, और इस ब्रिज को प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज कहा जाता है, और इसी प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के माध्यम से प्रत्येक कॉन्जुगेंट में जो माइक्रो न्यूक्लियस है यह माइक्रो न्यूक्लियस ब्रिज से होकर के दूसरे पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में चला जाता है, और इसी दरमियान दूसरे पैरामीशियम का जो स्मॉल माइक्रोन्यूक्लियस है जिसे हम मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं यह साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से माइग्रेट होकर के पहले पैरामीशियम या कॉन्जुगेंट के साइटोप्लाज्म में चला जाता है।
तो इसी प्रक्रिया को हम एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं, अर्थात प्रत्येक कॉन्जुगेंट में फीमेल प्रो न्यूक्लियस उपस्थित होती है, जबकि उसमें जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वह माइग्रेट करके दूसरे पैरामीशियम में चला जाता है और दूसरे पैरामीशियम का पहले पैरामीशियम में आ जाता है। तो इसी मेल प्रो न्यूक्लियस के एक्सचेंज की प्रक्रिया को हम न्यूक्लियर एक्सचेंज कहते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल का विनिमय या आदान प्रदान कहते हैं। जब यह न्यूक्लियर मटेरियल या मेल प्रो न्यूक्लियस का एक्सचेंज पूर्ण हो जाता है, दोनों के दोनों जो पैरामीशियम होते हैं या दोनों के दोनों जो कॉन्जुगेंट होते हैं, ये परस्पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के पश्चात इन पैरामीशियम को एक्स कॉन्जुगेंट कहा जाता है। तो प्रत्येक एक्स कॉन्जुगेंट में स्वयं का फीमेल प्रोन्यूक्लियस होगा और माइग्रेट करके दूसरे पैरामीशियम से आया हुआ मेल प्रोन्यूक्लियस होगा। तो फीमेल और मेल प्रोन्यूक्लियस परस्पर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और एक हो जाने के पश्चात यह रचना जो कॉन्जुगेंट के अंदर निर्मित होती है वह जाइगोट या सिनकेरियन कहलाती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दो पैरामीशिया एक दूसरे के संपर्क में अस्थायी रूप से आ रहे हैं और न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज या आदान प्रदान करने के पश्चात अलग हो जा रहे हैं। इसी प्रजनन की विधि को कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो जब दोनों कॉन्जुगेंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उनके साइटोप्लाज्म में सिनकेरियन या जाइगोट का निर्माण होता है। अब हम यहां पर देखें कि जब सिनकेरियन या जाइगोट का निर्माण कॉन्जुगेंट में हो गया है, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, और अलग होने के बाद इन्हें एक्स कॉन्जुगेंट कहा जा रहा है। तो अब इस जाइगोट में जो पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट है वह किस तरह से होता है उसे हम देखेंगे। तो प्रत्येक कॉन्जुगेंट में, जैसे हम ये मान ले रहे हैं कि ये पैरामीशियम ए था जो एक्स कॉन्जुगेंट के रूप में पृथक हुआ, ये पैरामीशियम बी है यह भी एक्स कॉन्जुगेंट के रूप में पृथक हुआ, तो प्रत्येक में जो जाइगोट या सिनकेरियन है इसमें अब जो परिवर्तन या विभाजन होगा वो किस तरह से होगा। यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि इस जाइगोट न्यूक्लियस में जो भी विभाजन होगा यह विभाजन माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही होगा। गौर से हम देखें, प्रत्येक जाइगोट न्यूक्लियस में 3 बार विभाजन होता है। तो पहला विभाजन होगा, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। दूसरा विभाजन होगा, 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, और तीसरा विभाजन होगा तो 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। और ये 8 जो माइक्रोन्यूक्लियाई, ये 8 जो न्यूक्लियाई हैं, ये आकार में छोटे होते हैं, अर्थात ये माइक्रोन्यूक्लियाई ही होते हैं। प्रत्येक एक्स कॉन्जुगेंट में जो 8 माइक्रोन्यूक्लियाई विकसित हुआ है, इनमें से 3 जो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं ये डिजनरेट हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, और केवल 5 माइक्रोन्यूक्लियाई ही शेष रह जाते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 माइक्रोन्यूक्लियस के डिजनरेट होने के बाद ये 5 न्यूक्लियस शेष रह गए हैं। तो इन 5 न्यूक्लियाई में से 4 न्यूक्लियाई क्रमशः आकार में बढ़ जाते हैं, वृद्धि कर लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, और बड़े होकर के ये मैक्रो न्यूक्लियस के रूप में क्रियाशील हो जाते हैं। तो यहां पर हम गौर करें कि मैक्रो न्यूक्लियस का निर्माण या मैक्रो न्यूक्लियस का जो विकास है वह माइक्रो न्यूक्लियस के द्वारा ही हुआ है, और इसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो कॉन्जुगेंट में अब 4 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस है। तो प्रत्येक पैरामीशियम जिसमें 4 मैक्रो और 1 माइक्रोन्यूक्लियस है वह अनुप्रस्थ बाइनरी फिजन के द्वारा विभाजित होगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा ही विभाजित होगा, अर्थात इसके शरीर के मध्य भाग से दोनों तरफ से भीतर की दिशा में दबाव बनेगा, और इस दबाव के कारण से पैरामीशियम
पैरामीशियम का जो शरीर है वो 20 से दो भागों में बटने लगता है। तो यहाँ पर ध्यान ये दें कि मैक्रोन्यूक्लियस की संख्या 4 होती है और माइक्रोन्यूक्लियस की संख्या 1 होती है। तो जब इस कंजुगेंट में, इस पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के द्वारा विभाजन होगा तो दो प्रक्रियाएं क्रमिक रूप से होंगी। पहली प्रक्रिया जो मैक्रोन्यूक्लियस के लिए लागू होगी वो है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, अर्थात इनका वितरण होगा, इनको बांटा जाएगा। तो दो मैक्रोन्यूक्लियस एक पैरामीशियम के लिए बनेंगे, उसमें चले जाएंगे, और शेष दो बड़े मैक्रोन्यूक्लियस ये दूसरे पैरामीशियम पर चले जाएंगे। इसको हम कह रहे हैं कि मैक्रोन्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वितरण हुआ, इनको बांट लिया गया। और दूसरी प्रक्रिया जो माइक्रोन्यूक्लियस में होती है वो है डिवीजन या विभाजन। तो माइक्रोन्यूक्लियस माइटोसिस की विधि के द्वारा एक से दो माइक्रोन्यूक्लियाई में विभाजित होगा और दो में से एक माइक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम के एक सेगमेंट में चला जाएगा और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम के दूसरे सेगमेंट में चला जाएगा। इस तरह से बाइनरी फ्यूजन के कारण से जो दो पैरामीशिया बनते हैं, प्रत्येक पैरामीशियम में जो न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन होता है ये दो मैक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस का होता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दो मैक्रो और एक माइक्रो, और इस दूसरे सेगमेंट पे भी हम देख रहे हैं दो मैक्रो और एक माइक्रो। यहाँ हम ध्यान दें कि पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, और इसलिए यहाँ पर फिर से ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि जब ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन की प्रक्रिया होगी तो मैक्रो न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक इस सेगमेंट में आ जाएगी और दूसरी दूसरे सेगमेंट में आ जाएगी, लेकिन जो माइक्रो न्यूक्लियस है इसका डिवीजन होगा, अर्थात यह एक से दो में विभाजित होगी, जिनमें से एक इस पैरामीशियम में और दूसरा दूसरे पैरामीशियम पर प्रवेश कर जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस दूसरे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के उपरांत दो पैरामीशियम का निर्माण होता है, दो डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है, और प्रत्येक डॉटर पैरामीशियम में जो न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अपने पेरेंट के ही समान होता है, अर्थात एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस इनमें स्थित होता है। वहीं इस दूसरे सेगमेंट में भी ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन की प्रक्रिया होती है और इसके उपरांत इससे भी दो डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो वस्तुतः यदि हम फाइनली देखें तो एक कांजुगेंट से, जैसे कांजुगेंट ए है, ये कांजुगेंट बी है, तो ए कांजुगेंट जब पोस्ट जाइगोटिक डिवीजन के इन चरणों से गुजरता है तो उसके द्वारा चार डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है, अर्थात इनकी संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए यह प्रजनन है। और दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि जायगोट या सिनकैरियन का निर्माण हो रहा है जो वास्तविक रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी प्रक्रिया को संकेत करती है, और इसलिए इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर एक कांजुगेंट से चार डॉटर पैरामीशिया बने, उसी तरीके से ये जो बी पैरामीशियम है या बी कांजुगेंट है यह भी इसी तमाम प्रक्रियाओं को दोहराएगा और दोहराने के पश्चात इससे भी चार डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होगा। तो हमारा कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष ये है कि प्रत्येक पैरामीशियम से जो कांजुगेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है उससे अंतिम रूप से चार डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो यह जो प्रक्रिया है यह जायगोट का निर्माण को भी प्रदर्शित करती है और साथ ही साथ एक पैरामीशियम से चार डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है, इनकी संख्या में वृद्धि होती है, और इसलिए इस प्रक्रिया को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कॉन्जुगेशन के नाम से अध्ययन करते हैं, इस नाम से हम जानते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया हुई। ये हमने इस पूरी प्रक्रिया को एक चित्र के माध्यम से दर्शाया है, आप यहाँ देख रहे हैं ये दोनों पैरामीशिया एक दूसरे के संपर्क में आए, ये कांजुगेंट कहलाएंगे, उसके बाद
इनके मैक्रो न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाएंगे, माइक्रो न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, पहला डिवीजन हुआ दो बने, दूसरा डिवीजन हुआ चार बने, इन दोनों डिवीजन में से कोई एक डिवीजन जो होगा वह डिवीजन मियोसिस होगा, और इसलिए ये एक एक हैप्लॉयड चार चार हैप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियाई बनते हैं, जिनमें से प्रत्येक में तीन न्यूक्लियाई डिजनरेट हो जाते हैं और केवल एक एक न्यूक्लियस बच जाता है। इस एक न्यूक्लियस में असमान विभाजन होगा और इस असमान विभाजन के कारण से दो असमान आकार के न्यूक्लियाई बनेंगे, जो छोटे होंगे ये मेल प्रो न्यूक्लियस कहलाएंगे, माइग्रेटरी कहलाएंगे, जो आकार में बड़ा होगा वह फीमेल प्रो न्यूक्लियस कहलाएगा, स्टेशनरी न्यूक्लियस कहलाएगा, और इसी दरमियान इन दोनों के बीच की जो पेलिकल है ये डिजॉल्व हो जाती है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है, और इस ब्रिज से जो माइक्रो न्यूक्लियस है जिसको हम मेल प्रो न्यूक्लियस कहते हैं, इन मेल प्रो न्यूक्लियस का परस्पर आदान प्रदान होता है और इसके पश्चात दोनों के दोनों पैरामीशिया एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस आपस में मिलकर के जायगोट बनाते हैं। इस जायगोट न्यूक्लियस में जब पहला विभाजन होता है तो दो न्यूक्लियाई बनते हैं, दूसरा विभाजन होता है चार न्यूक्लियाई बनते हैं, तीसरा विभाजन होता है आठ न्यूक्लियाई बनते हैं, इस आठ में से तीन लुप्त हो जाते हैं और पांच बच जाते हैं, तो पांच में से चार आकार में बड़े होकर के मैक्रो न्यूक्लियस में तब्दील हो जाते हैं और एक बिना किसी परिवर्तन के माइक्रो न्यूक्लियस के रूप में काम करता है। अब यहां पर पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की प्रक्रिया होगी, जिसमें मैक्रो न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और माइक्रो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो दो मैक्रो न्यूक्लियस पैरामीशियम के इस खंड में आ जाएंगे और एक माइक्रो न्यूक्लियस आएगा, और उसी तरह से दो मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस पैरामीशियम के दूसरे खंड में आ जाएंगे। अब पुनः इनमें दूसरी बार ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा विभाजन होगा, जिसमें मैक्रो न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो एक मैक्रो न्यूक्लियस इस सेगमेंट में, दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस दूसरे सेगमेंट में आएगा, किंतु माइक्रो न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, यह डिवाइड होकर के दो हो जाएगी, एक इस सेगमेंट में आएगी और दूसरी दूसरे सेगमेंट में आएगी। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि एक कॉन्जुगेंट से जब कंजुगेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है, जायगोट में विभाजन की प्रक्रियाएं समाप्त होती हैं, पूर्ण होती हैं, तो उसके उपरांत चार डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है, अर्थात संख्या में वृद्धि होती है। आइए अब हम देखें तीसरे प्रकार के प्रजनन के बारे में। पैरामीशियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला प्रकार है वो कहलाता है ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, और गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो ऑटोगैमी में एक ही पैरामीशियम के अंदर दो जो न्यूक्लियाई हैं ये परस्पर मिलकर के जायगोट बनाते हैं। तो एक ही पैरामीशियम के न्यूक्लियाई आपस में मिलकर जब जायगोट बना रहे हैं तब इस प्रक्रिया को ऑटोगैमी कहा जाता है। तो ऑटोगैमी प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन को डीलर ने 1936 में डिस्क्राइब किया था, और यह प्रक्रिया पैरामीशियम की ऑरेलिया प्रजाति में देखने को मिलती है। पैरामीशियम ऑरेलिया प्रजाति की क्या खूबी होती है, आप ये देखिए कि इसमें एक मैक्रो न्यूक्लियस और दो माइक्रो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, तो इनका ये न्यूक्लियर कॉन्फिगरेशन होता है, एक मैक्रो और दो माइक्रो न्यूक्लियाई। आइए हम देखें कि ऑटोगैमी की प्रक्रिया में क्या न्यूक्लियस में परिवर्तन होता है। तो ये जैसे हम देख लें, ये एक पैरामीशियम ऑरेलिया है, इस पैरामीशियम ऑरेलिया में एक मैक्रो और दो माइक्रो न्यूक्लियाई हैं। तो जब इनमें प्रजनन की विधि शुरू होती है तो यह भी भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है और इसका ओरल ग्रुप समाप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। मैक्रो न्यूक्लियस का कोई रोल प्रजनन में नहीं होने के कारण से यह छोटे टुकड़ों में टूट करके डीजनरेट हो जाता है, लुप्त हो जाता है, साइटोप्लाज्म के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन जो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं, जो दो माइक्रोन्यूक्लियस हैं, इस माइक्रोन्यूक्लियस में पहला विभाजन होता है और इस विभाजन के कारण से जो
चार माइक्रो न्यूक्लियाई यहां पर पैरामीशियम के अंदर बन जाते हैं। अब दूसरा जो विभाजन होगा, तो इस दूसरे विभाजन के कारण से प्रत्येक न्यूक्लियस पुनः दो भागों में बटेगा, विभाजित होगा, इसलिए कुल 8 माइक्रो न्यूक्लियाई यहां पर निर्मित हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे यह विभाजन माइक्रो न्यूक्लियस में हो रहा है, इसलिए ये सभी के सभी माइक्रो न्यूक्लियाई हैं। अब यहां पर आप ये देखिए कि इस 8 माइक्रो न्यूक्लियाई में से 7 माइक्रो न्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में अवशोषित हो जाते हैं, और केवल 1 माइक्रो न्यूक्लियस यहां पर बचा हुआ होता है। और इस माइक्रो न्यूक्लियस में जो विभाजन होगा, यह विभाजन मियोसिस के द्वारा होता है, अर्थात इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है और यह विभाजित होकर के 2 माइक्रो न्यूक्लियाई बनाता है। तो जिस समय ये 2 माइक्रो न्यूक्लियाई बनते हैं, जो आगे चल करके फ्यूज होकर के आपस में मिलकर के जाइगोट का निर्माण करने वाले हैं, उसी दरमियान इस पैरामीशियम के एबोरल साइड पर, इधर ओरल सरफेस है, ये एबोरल सरफेस है, तो एबोरल सरफेस पर एक कोन जैसी रचना, उभार जैसी रचना निर्मित होती है, और इस कोन को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मिक कोन। और इस प्रोटोप्लाज्मिक कोन में ये दोनों के दोनों जो हैप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियाई हैं, जो गैमेट न्यूक्लियस की तरह व्यवहार करते हैं, वो दोनों इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब इस प्रोटोप्लाज्मिक कोन में दोनों न्यूक्लियाई जो गैमेट की तरह व्यवहार करते हैं प्रवेश कर जाते हैं, तो ये आपस में मिलकर के एक हो जाते हैं, और एक होकर के ये जाइगोट या सिनकैरियन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एक ही पैरामीशियम के 2 माइक्रो न्यूक्लियाई गैमेट की तरह व्यवहार करते हुए आपस में मिलकर के जाइगोट या सिनकैरियन का निर्माण कर रहे हैं, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है ऑटोगैमी। अब जब जाइगोट का निर्माण हो जाएगा, तो जाइगोट में क्या परिवर्तन होगा, आइए हम उसको देखें। इसे हम पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये जो जाइगोट न्यूक्लियस है, उसमें अब विभाजन की प्रक्रिया शुरू होगी। ध्यान रखें, यहां जितने भी विभाजन होंगे सब माइटोसिस के द्वारा होंगे। तो पहला जो माइटोसिस विभाजन होगा, उसके उपरांत 2 न्यूक्लियाई यहां पर बन रहे हैं। दूसरा विभाजन होगा, 4 माइक्रो न्यूक्लियाई बन रहे हैं, और ये 4 माइक्रो न्यूक्लियाई में से 2 आने वाले समय में आकार में बड़े हो जाते हैं, और इन दोनों को कहा जाता है मैक्रो न्यूक्लियस, और ये शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को नियंत्रित करने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। और शेष 2 न्यूक्लियाई जिनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इन दोनों को माइक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। तो यहां पर हम ध्यान दें, इस अवस्था में जब न्यूक्लियस का विभाजन पूरा हो जाता है, तो इस पैरामीशियम में 2 मैक्रो न्यूक्लियस हैं और 2 माइक्रो न्यूक्लियस हैं। अब यहां पर यह जो पैरामीशियम है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के द्वारा विभाजन की प्रक्रिया से गुजरेगा। तो जब ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होगा, तो इसके बीच में एक दरार दबाव जैसी रचना बनेगी, और ये पैरामीशियम 2 भागों में बंटना शुरू हो जाता है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इसमें 2 मैक्रो न्यूक्लियस हैं और 2 माइक्रो न्यूक्लियस हैं, जबकि पैरामीशियम ऑरेलिया में क्या होना चाहिए, 1 मैक्रो और 2 माइक्रो होना चाहिए। तो जब बाइनरी फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, उसी दरमियान जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, यह डिवाइड हो जाता है, और प्रत्येक माइक्रो न्यूक्लियस 2 माइक्रो न्यूक्लियाई में विभाजित हो जाता है, लेकिन जो मैक्रो न्यूक्लियस हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अर्थात एक मैक्रो न्यूक्लियस इस सेगमेंट में और दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस दूसरे सेगमेंट पर चला जाता है। तो इस तरह ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन की प्रक्रिया के दरमियान इनका जो न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन होता है, वह पैरामीशियम ऑरेलिया के अनुरूप हो जाता है, और ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और 2 डॉटर पैरामीशिया का निर्माण होता है। और बनने वाले दोनों डॉटर पैरामीशिया में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक में 1 मैक्रो न्यूक्लियस है और 2 माइक्रो न्यूक्लियस है। तो इस प्रक्रिया को
ऑटोगैमी कहते हैं और यह भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि मैक्रोन्यूक्लियस जो लुप्त तो हो जाता है उसका निर्माण माइक्रोन्यूक्लियस से ही होता है और इसलिए यह भी न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया है। किंतु यहां पर जो गैमेटिक न्यूक्लियस हैं ये एक ही पैरामीशियम के अंदर निर्मित किए गए हैं और दोनों से मिलकर के जायगोट बन रहा है, इसलिए यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसी कारण से इस तरह के प्रजनन की विधि को ऑटोगैमी कहा जाता है। तो ऑटोगैमी ये पैरामीशियम ऑरेलिया की प्रजाति में देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप एक पैरामीशिया जब इस ऑटोगैमी की संपूर्ण प्रक्रिया से गुजरता है तो उसके माध्यम से दो डॉटर पैरामीशिया का निर्माण होता है, अर्थात इनकी संख्या में भी वृद्धि होती है। ये प्रक्रिया कहलाती है ऑटोगैमी। आइए हम तीसरी प्रक्रिया के बारे में देखें और यह है एंडोमिक्सिस। एंडोमिक्सिस की प्रक्रिया यह भी पैरामीशियम ऑरेलिया प्रजाति में देखने को मिलती है और पैरामीशियम ऑरेलिया में जैसा कि हमने पूर्व में आपसे कहा कि जो न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंतर्गत एक मैक्रो और दो माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं। तो वुडरफी और अर्डमैन ने 1914 में पैरामीशियम ऑरेलिया में एंडोमिक्सिस की प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन का वर्णन किया था। यहां पर हम देखें एंडोमिक्सिस की प्रक्रिया में सिनकैरियन या जायगोट का निर्माण नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इस एंडोमिक्सिस की प्रक्रिया के लिए पार्टनर की भी जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पैरामीशिया जब एंडोमिक्सिस की प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन पूर्ण करता है, संपन्न करता है, तो उससे चार डॉटर पैरामीशिया का निर्माण होता है। आइए हम देखें कि पैरामीशियम ऑरेलिया में एंडोमिक्सिस की प्रक्रिया के माध्यम से प्रजनन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है वो हम देखें। पहला, मैक्रोन्यूक्लियस का कोई रोल प्रजनन में न होने के कारण से वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके साइटोप्लाज्म में अवशोषित हो जाता है। उसके पश्चात जो दो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं, इन माइक्रोन्यूक्लियाई में विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है और इनमें जो पहला न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो इस न्यूक्लियर डिवीजन के कारण से कुल चार न्यूक्लियाई माइक्रोन्यूक्लियाई यहां पर बन जाते हैं। तो प्रत्येक माइक्रोन्यूक्लियस से दो बनेगा तो कुल संख्या माइक्रोन्यूक्लियाई की चार हो जाती है। इस चार माइक्रोन्यूक्लियाई में जो दूसरा विभाजन होता है यह विभाजन भी माइटोसिस के द्वारा होता है। तो चार में जब माइटोसिस द्वारा विभाजन होगा तो ये चार माइक्रोन्यूक्लियाई से आठ माइक्रोन्यूक्लियाई पैरामीशियम ऑरेलिया के अंतर्गत बन जाते हैं। उसके पश्चात आप देखिए कि अगला जो विभाजन होगा वह ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा हो रहा है। तो यहां पर आप ये देखिए कि जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की प्रक्रिया हो रही है उसी दरमियान ये चार और चार माइक्रोन्यूक्लियाई के सेट बने हुए हैं। इनमें से प्रत्येक सेट में से तीन माइक्रोन्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाते हैं और इधर के भी तीन माइक्रोन्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस आठ माइक्रोन्यूक्लियाई में से छह माइक्रोन्यूक्लियाई डीजनरेट हो जा रहे हैं और केवल दो माइक्रोन्यूक्लियस यहां पर बच रहे हैं। और इसी दरमियान ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की क्रिया हो रही है और ये पैरामीशियम दो भागों में बट जा रहा है और प्रत्येक भाग में एक माइक्रोन्यूक्लियस साथ में आता है। तो अलग होने के पश्चात अब प्रत्येक पैरामीशियम में इसका जो न्यूक्लियस होगा वो पुनः विभाजित होगा माइटोसिस के द्वारा और दो माइक्रोन्यूक्लियाई बनेंगे। दूसरा विभाजन होगा, चार माइक्रोन्यूक्लियाई बनेंगे और जब चार माइक्रोन्यूक्लियाई प्रत्येक पैरामीशियम में बन जाता है तो उनमें से दो आकार में बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर के ये मैक्रोन्यूक्लियस के रूप में व्यवहार करते हैं और शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को नियंत्रित करना आरंभ कर देते हैं। तो पैरामीशियम में दो मैक्रोन्यूक्लियस अस्तित्व में आ गए और दो माइक्रोन्यूक्लियाई यहां पर हैं।
अब यहां पर पुनः दूसरी बार ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब दूसरी बार ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा तो मैक्रो न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा, और माइक्रो न्यूक्लियस का विभाजन होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब इसमें बाइनरी फिजन की क्रिया हो रही है तो मैक्रो न्यूक्लियस एक एक प्रत्येक सेगमेंट पर चले गए, लेकिन माइक्रो न्यूक्लियस इसमें डिवीजन होने के कारण से प्रत्येक से दो बना, तो प्रत्येक सेगमेंट में दो माइक्रो न्यूक्लियाई चले गए, और अंत में ये दोनों सेगमेंट परस्पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बाइनरी फिजन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और इसके उपरांत दो डॉटर पैरामीशिया का निर्माण होता है। तो इसी तरह से इस दूसरे सेगमेंट में भी इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है और अंत में पुनः इससे भी दो डॉटर पैरामीशिया का निर्माण होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑटोगैमी के ही तरह एक ही पैरामीशियम ऑरेलिया में एंडोमिक्सिस की प्रक्रिया हो रही है, किंतु न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल का कहीं पर कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है, कहीं पर जायगोट या सिनकेरियन नहीं बन रहा है, लेकिन मैक्रो न्यूक्लियस का निर्माण माइक्रो न्यूक्लियस के माध्यम से हो रहा है, और अंत में ऑटोगैमी अंत में एंडोमिक्सिस की प्रक्रिया के उपरांत एक पैरामीशियम ऑरेलिया ये चार डॉटर पैरामीशियम का सृजन करता है, निर्माण करता है, और इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो ये प्रजनन की जो विधि है जो पैरामीशियम ऑरेलिया में पाई जाती है इसे एंडोमिक्सिस कहा जाता है। आइए हम चौथे प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखें, इसे हम कहते हैं साइटोगैमी। साइटोगैमी यह पैरामीशियम कॉर्डेटम में देखने को मिलता है, जहां पर एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। साइटोगैमी की प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन का विस्तार से अध्ययन और उसका डिस्क्रिप्शन विचरमैन और डीलर ने 1941 में किया था। साइटोगैमी की प्रक्रिया यह कॉन्जुगेशन की ही तरह है, लेकिन कॉन्जुगेशन से यह विभिन्नता प्रदर्शित करता है। कॉन्जुगेशन की ही तरह दो पैरामीशियम अपने ओरल सरफेस से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और इनका जो संपर्क और संबंध होता है यह अस्थायी होता है। ध्यान रखें यहां पर न्यूक्लियर मटेरियल का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि इस प्रक्रिया में मैक्रो न्यूक्लियस का अस्तित्व बना रहता है, वो टूट करके डीजनरेट नहीं होती और न ही साइटोप्लाज्म में अवशोषित होती है। तो दो पैरामीशिया एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इनके मैक्रो न्यूक्लियस अस्तित्व में बने रहते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस में तीन बार विभाजन होता है, और जिसके कारण से प्रत्येक पैरामीशियम में 8 माइक्रो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और इस 8 माइक्रो न्यूक्लियाई में से प्रत्येक पैरामीशियम में 6 माइक्रो न्यूक्लियाई लुप्त हो जाते हैं और 2 बच जाते हैं, और ये दोनों के दोनों बचे हुए माइक्रो न्यूक्लियाई आपस में मिलकर के सिनकेरियन या जायगोट का निर्माण करते हैं। वस्तुतः यहां पर जो जायगोट बन रहा है ये जायगोट वास्तविक रूप से नहीं है, बल्कि दो माइक्रो न्यूक्लियाई का परस्पर मिलन होकर के एक नए माइक्रो न्यूक्लियाई के निर्माण की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहां पर माइक्रो न्यूक्लियस का निर्माण हुआ, और इस प्रक्रिया के उपरांत दोनों के दोनों पैरामीशिया एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे कि पेलिकल न तो डिजॉल्व होती है, न साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है, और न ही माइक्रो न्यूक्लियस का कोई आदान प्रदान या विनिमय या एक्सचेंज होता है, और अंत में दोनों पैरामीशिया एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, इनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में कॉन्जुगेशन की ही तरह समानता हमें दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें, यदि साइटोगैमी को हम ऑटोगैमी और कॉन्जुगेशन से कंपेयर करें तो तीन महत्वपूर्ण बातें हमें समझ में आती हैं। पहला कि साइटोगैमी में दो पैरामीशिया एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, लेकिन ऑटोगैमी में ऐसा नहीं होता। ऑटोगैमी में दो पैरामीशिया एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते।
दूसरा कि साइटोगैमी में न्यूक्लियर मटेरियल का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। दो पैरामीशिया भले ही यहां पर संपर्क में आते हैं लेकिन इनके बीच में न्यूक्लियर मटेरियल का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन कंजुगेशन में न्यूक्लियर मटेरियल का आदान प्रदान होता है, परस्पर विनिमय होता है। साइटोगैमी यह ऑटोगैमी और कंजुगेशन से समानता प्रदर्शित करता है, जहां पर दो प्रोन्यूक्लियाई आपस में मिलकर के सिनकैरियन या जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ऑटोगैमी में भी दो माइक्रोन्यूक्लियाई आपस में मिलकर के सिनकैरियन बना रहे हैं, और साइटोगैमी में भी आप देख रहे हैं कि दो माइक्रोन्यूक्लियाई परस्पर मिलकर के सिनकैरियन का निर्माण कर रहे हैं, जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं। तो ये एक कंपैरेटिव अकाउंट हुआ जहां हम साइटोगैमी को ऑटोगैमी और कंजुगेशन से तुलना कर सकते हैं। आइए अंतिम विधि के बारे में हम देखें, यह कहलाती है हेमिक्सिस। हेमिक्सिस प्रक्रिया का अवलोकन और अध्ययन डीलर ने 1936 में पैरामीशियम ऑरेलिया में देखा था, उसे डिस्क्राइब किया था। पैरामीशियम ऑरेलिया में दो माइक्रोन्यूक्लियस और एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है। तो वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो हेमिक्सिस एक प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा मैक्रोन्यूक्लियस का शुद्धिकरण होता है, उसका प्यूरिफिकेशन होता है। और दूसरा न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो यहां पर देखने को मिलती है, लेकिन मैक्रोन्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता है। तो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में मैक्रोन्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता है और माइक्रोन्यूक्लियस में भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। ये एकदम विलक्षण और नए प्रकार के प्रजनन की विधि है। इसमें क्या होता है आप देखिए, प्रोसेस में मैक्रोन्यूक्लियस ये कई टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। ये टुकड़े बनने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। तो किसी भी पैटर्न पर मैक्रोन्यूक्लियस में टूटने की यह प्रक्रिया हो सकती है। तो पहला चरण क्या हुआ कि मैक्रोन्यूक्लियस यह कई स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टुकड़ों में टूट जाता है। इनमें से कुछ जो टूटे हुए सेगमेंट्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म में अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जो बचे हुए मैक्रोन्यूक्लियस हैं ये मैक्रोन्यूक्लियस सक्रिय हो जाते हैं, आकार में और बड़े हो जाते हैं, और बड़े होकर के ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को नियंत्रित करने लगते हैं। यदि मैं इसको समराइज करूं तो ये कह सकता हूं कि मैक्रोन्यूक्लियस ये कई टुकड़ों में टूट जाता है, अधिकांश टुकड़े या कुछ टुकड़े साइटोप्लाज्म में अवशोषित हो जाते हैं, और शेष टुकड़े ये सक्रिय हो जाते हैं, पुनः सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होकर के ये पैरामीशियम के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को नियंत्रित करना, संचालित करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखें, इस हेमिक्सिस प्रक्रिया के लिए पार्टनर की जरूरत नहीं होती। दूसरा, हेमिक्सिस एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है जिसमें मैक्रोन्यूक्लियस का प्यूरिफिकेशन होता है, उसका शुद्धिकरण होता है, और इसके लिए कोई एक निश्चित प्रक्रिया नहीं है, ये कई तरीके से हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और तीसरा कि जब मैक्रोन्यूक्लियस की क्षमता न्यूनतम हो जाती, घटने लगती है, तो ऐसी स्थिति में पैरामीशियम मैक्रोन्यूक्लियस का कायाकल्प करने के लिए, उसे पुनर्जीवित करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन करता है, उसका शुद्धिकरण करता है। और इस दरमियान जो मैक्रोन्यूक्लियस के टुकड़े टूटते हैं और टूट करके साइटोप्लाज्म में अवशोषित होते हैं, उसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है ये न्यूक्लियर वेस्ट भी साइटोप्लाज्म में छोड़ दिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से प्रजनन की यह जो विधि है ये कहलाती है हेमिक्सिस। रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम में जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, इन्हें दो भागों में हमने यहां प्रदर्शित किया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप यहां देख रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत मिल जाते हैं। और दूसरा एसे टाइप क्वेश्चन, जहां पर पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया को
फुल क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। वहीं पैरामिशियम में प्रजनन की समस्त विधियों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उनके जितने भी प्रकार हैं उन सबको प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन के रूप में। ये वो रेफरेंस बुक है जहां से पैरामिशियम में प्रजनन की विधियों से संबंधित विषय वस्तु को हमने इसमें सम्मिलित किया है। आप सभी का धन्यवाद।